We are here for a big moment. But that moment, जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो. स्वागत है आप सबका. अच्छा होने दीजिए. वन ऑन वन जब उनसे साथ में मिले, हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में इतना डिफरेंस है. मैं कलर करके बाल व्हाइट करता हूँ ताकि बिना लोगों के लगे कि मैं बेचौर हूँ. पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं. 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफ़ी स्पीड पकड़ी, रफ्तार पकड़ी. हमारी जो मिथोलॉजी है जो उसके अराउंड काफ़ी गेम्स डेवलप हो रहे हैं अभी. गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारी क्रिएटिविटी. अरे सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ. क्या आपको ये फेस करना पड़ता है गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इन दोनों की लड़ाई आपके सामने आती होगी, तब आप कैसे हैंडल करते हैं? सर आरएमजी और स्किल बेस्ड गेमिंग को बहुत हाई टाइम हो गया कि डिफरेंशिएट करें. और क्या लगता है लड़कियों का इसमें आना कितना संभावना बढ़ती है? जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं, हमने आपको देख के स्टार्ट किया. हमारे इंडिया में भी लड़कियां टेक फील्ड में और गेमिंग फील्ड में आगे आ रही है. ये आप पहन लीजिए. पहले तो डॉक्टर नीला सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे. अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते. पीएम के साथ गेम खेल, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी. लोगों को कूलेस पीएम को गेमर टैग देना चाहिए. तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया चैट. Who is the biggest influence in India? It's our Prime Minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ. मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए. लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे. I think Indian gaming peak. मम्मी पापा, तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ खेल के आया है.